निधि की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आप सबको तो पता ही है, आज के टाइम में ना जो यूथ है, जो जवान लोग हैं, लड़का लड़की हैं, वो छोटी छोटी बातों पे ना ब्रेकअप्स हो जाते हैं और अपनी जिंदगी खत्म कर लेते हैं। तो उस चीज को ध्यान में रखकर मैंने एक प्ले बनाया है, जो कि ताकि लोगों को समझ आए कि ये चीज सही नहीं है। तो आई होप आपको ये चीज मेरी पसंद आए। तो थैंक यू, आप देख लीजिए। बताती हूँ यार, बात क्या हुई अभी लास्ट टाइम जब मैं उससे मिलने गई ना,
तो मेरे को होटल में खाने पे बुलाया, बोलता कि ठीक है आ जा। मैंने कहा ठीक है मैं आने लग रही हूँ। और जब मैं वहां पे गई, उस वहां पे जाने के बाद मेरे को बोलता है कि ना शादी तो ना मैं तुझसे नहीं कर सकता। मैंने पूछा, मैंने कहा मेरे से क्यों नहीं कर सकता भाई शादी, मैंने क्या गुनाह कर दिया? तो फिर उसमें बोलता मेरे को कि यार देख, प्यार तो मैं ना अपने कुत्ते से भी करता हूँ, मेरे पास जो कुत्ता है उससे भी प्यार करता हूँ, पर उससे शादी कर लूंगा क्या मैं? मैंने कहा यार मेरे को इतना गुस्सा आया यार, मतलब तू कुछ सोच यार, क्या कुत्ते से मैं क्या कुत्ता हूँ, मेरे को कुत्ते से कंपेयर कर दिया यार। प्यार किसी और से, शादी किसी और से, इसको सच्चा प्यार थोड़ी कहते। उसने तो यूज ही किया, जब कुत्ते का नाम दे दिया तो उसने तो यूज ही किया। ठीक है हटाओ, और मैं अभी आऊंगी तुम्हारे यहाँ थोड़ी देर से। यार नहीं यार, मेरे को नहीं, मेरे को जीना ही नहीं है यार, मैं नहीं जी सकती, मेरी लाइफ खत्म होगी। एक बार वही सब कुछ हो, माँ बाप भी हैं, और ये जिंदगी खत्म करने का बिल्कुल नाम भी मत लेना। नहीं यार मेरे को नहीं जीना यार, मेरे को किसी से कोई कुछ नहीं करना। मेरी कसम है, अगर तुमने ऐसा कुछ काम किया, बिल्कुल ये कोई गलत काम नहीं करोगे, जरूरी नहीं कि उसने धोखा दिया। तुमने तो उसको धोखा नहीं दिया ना, उसने तुमको धोखा दिया। नहीं यार मैं फोन रख रही हूँ यार, मेरे को नहीं पता, मैं क्या करूंगी। मैं आऊंगी और मेरी तुमको कसम है, बिल्कुल ये कोई गलत काम नहीं उठाऊंगी। और माँ बाप है अभी, उसने धोखा दिया, ये उसकी गलती है, उसने माँ बाप को बता के नहीं किया, आज प्यार किसी और से किया, शादी किसी और से कर रहा है, ये गलत बात है बिल्कुल भी। मैं रख रही हूँ यार फोन, मेरे से और बात नहीं हो पाएगी, मेरा नहीं दिल लग रहा। रख दो बस चुप होना, और मैं थोड़ी देर से आऊंगी अभी। ठीक है, कोई गलत काम नहीं करना, तुमको नहीं करना है। ठीक है मैं नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। ठीक है मैं, ओके बाय। नंबर तो कभी कमाए नहीं, हमेशा मेरिट में आई है। LKG से फर्स्ट डिवीजन लेके आई, अब भी फर्स्ट डिवीजन है, 85% नंबर आए है। ये नंबर कोई कम होते हैं? बहुत अच्छे नंबर है। तो और कोई बात होगी सच बता दे मेरे को, बोल दे जल्दी। मम्मी कोई बात नहीं है, नहीं, कोई बात नहीं, कोई ना कोई बात बता दे मेरे को, और बतानी भी पड़ेगी। मम्मी आप मुझे डांटोगे, मेरे नहीं सुन सकती। क्यों कैसे डांटूंगी? तेरे अच्छे के लिए बोलूंगी, जो भी बोलूंगी, बुरे के लिए थोड़ा बोलूंगी। मम्मी बात ये है कि मैंने एक लड़के से प्यार करती थी, 3 साल से मेरे को छोड़ के किसी और से शादी कर रहे हैं, मैं क्या करूं? अभी मेरे को उसी से शादी करनी थी। अच्छा ये बता, इस बात का तेरे कॉलेज में पता है या और बाहर भी पता है? सार में तुम्हारी बदनामी तो नहीं होगी? बोला हमारी बदनामी तो नहीं करवा दी? मम्मी मेरी सिर्फ दोस्तों को पता है और किसी को नहीं पता। हाँ दोस्त आगे बढ़ा देगी, वो तो आगे फैला देगी बात, सहेलियों में जो बात तुमने फैला दी है, जिनको पता है तो वो आगे भी तो फैलाएंगे। तुमने तो सारी हमारी इज्जत ही खराब कर दी। ये भी नहीं सोचा कि माँ बाप की कुछ इज्जत का ख्याल कर लेती। मम्मी इज्जत नहीं, मैंने तो प्यार किया था, मैं तो शादी करने वाली थी मम्मी उस लड़के के साथ। उस लड़के के साथ? अच्छा चल, उसने नहीं प्यार किया होगा बदले में। मैं क्या करूं अब? ये तूने क्या किया? वो क्यों हमारी बदनामी करती? पहले ही बता देती मेरे को, कम से कम समय पे लड़का देख के तेरी शादी कर देती। अब सुनते हो, जल्दी से जल्दी इसके लिए लड़का देखो, और 15 दिन के अंदर अंदर इसको यहाँ से शादी करके निकाल लो अपने घर से। मम्मी मैं अब मुझे शादी नहीं करनी, मेरा 14 साल है अब।
बिल्कुल नहीं पढ़ाना, अपने ससुराल में जाके पढ़ाई पूरी कर लिए, जितनी पढ़ाई होगी ठीक है। हमने तेरे को कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजा था, ना कि प्यार करने के लिए। कॉलेज में तो प्यार कर किसी से, पूरी पढ़ाई खराब हो जाएगी मम्मा। नहीं अब हम नहीं पढ़ाते, हम तो लड़का देखेंगे, पापा जी को कह दिया, लड़का देख के फटाफट शादी करेंगे, तेरे को इस घर से विदा करेंगे, निकालेंगे। नहीं मम्मी मेरी सारी पढ़ाई खराब हो जाएगी। कोई बात नहीं, होने दे खराब, ये पहले सोचना था ना, ये सब बातें तो प्यार करने से पहले पढ़ने गई हूँ या प्यार करने गई हूँ कॉलेज में। मम्मी नहीं ऐसे मत बोलो, मैं पहले ही बहुत ज्यादा दुखी हूँ, और आप मेरे को समझाने की बजाय, कि मेरा साथ देने की बजाय आप मेरे साथ उल्टा मेरे को कह रहे हो कि मेरा पढ़ाई भी पूरी नहीं करूंगी। नहीं कर सकती, क्योंकि ये सब पहले सोचना था, तेरे को पता तो है मेरी मम्मी कितनी कठोर दिल की औरत है, कठोर है मेरी मम्मी बहुत ज्यादा, ये चीजें पहले सोचनी थी, ये तो तूने पूरा समय पे बता दिया। नहीं और बदनामी होती, हम तो लड़का देख के तेरे को यहाँ से विदा करेंगे, शादी करेंगे। नहीं मम्मी मेरे को शादी नहीं करनी, पढ़ाई ससुराल वाले आप करवाएंगे जाके, करो खुद करवा देंगे पढ़ाई ससुराल वाले पूरी, हमने करवा दी जितनी करवानी थी। मम्मी मेरे 3 साल खराब हो जाएंगे। कोई बात नहीं, आप आगे तो नहीं मैं पढ़ाती, मैं भी पूरी हरियाणा की लड़की, हरियाणा की बहू, अब तो नहीं मैं सहन कर सकती है सब चीजें, बिल्कुल नहीं सहन कर सकती। अब तो हम तेरी शादी करेंगे और अपनी शादी करवा रही यहाँ से, जा पड़े घर से, 3 साल खो दिए प्यार प्यार करने में। मैंने नहीं खोई, मैं पढ़ाई में भी तो नंबर लाई। हाँ नंबर लेके आई है, लेकिन चौथा साल हम पूरा नहीं करवाते, चौथा साल अपनी ससुराल में पूरा करिए, सास ससुर पढ़ाएंगे, बहुत कहीं लोग अच्छे भी होते हैं, पढ़ाई पूरी करवा देंगे। अब तूने जब शादी करेंगे, हम तो 15-20 दिन के अंदर अंदर लड़का देख के हम तो नहीं यहाँ से विदा करेंगे, दफा करेंगे, अब नहीं हम तेने रखने वाले, यहाँ बहुत दिन रख लिए। जी आई होप आज का प्ले आपको मेरा पसंद आया हो, और मैं ये कहना चाहूंगी इस प्ले के माध्यम से मैं ये चीज समझाना चाहती थी मम्मी पापा को, जो कि बच्चे कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं, कर देते हैं, पर ऐसे टाइम में ना बच्चों को समझना चाहिए और प्यार से समझाना चाहिए, क्योंकि कई बार हम ऐसा होता है कि हम समाज को देख के, बदनामी को देख के ये चीजें अपने दिमाग में ले आते हैं कि हाँ, और सोचते हैं कि लड़की की फटाफट, अब लड़की का पता चलता है जब कि हाँ उसके साथ ये चीजें हो रही है, या किसी ने उसका दिल तोड़ा है, या प्यार के चक्कर में पड़ गई है, तो उसकी पढ़ाई छुड़वा दी जाती है और उसकी शादी कहीं और करने की सोची जाती है, सोचते जल्दी से जल्दी इसको शादी करके यहाँ से निकाल दो, क्योंकि लड़की को एक तरीके से बदनामी और इज्जत के तौर पर देखा जाता है। तो इस चीज से क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि लड़कियों का, पहले एक बात है तो लड़कियों का और लड़कों का भी, दोनों का मैं बोल रही हूँ, कि अगर कई बार वो प्यार में पड़ जाते हैं और उनके साथ धोखा होता है, तो वो अपनी फीलिंग को किसी बड़े के साथ शेयर ही नहीं कर पाते। अगर आप सोच के देखें कितना अच्छा हो कि अगर ऐसा किसी के साथ दिल दुखे या किसी के साथ कुछ हो, और वो अपने माँ बाप के साथ शेयर करे और माँ बाप उस चीज को समझे और उनको प्यार से समझाए, तो वो चीज ज्यादा अच्छी है उस चीज से कि वो अपनी जिंदगी खत्म कर दे। जिंदगी खत्म तब करता है इंसान जब उसको कोई सहारा नहीं मिलता। अगर उसके माँ बाप उसको समझेंगे, दोस्त उसको समझेंगे ऐसे टाइम में, तो हो सकता है कि कोई एक जान बच जाए। तो इसलिए शेयरिंग बहुत जरूरी है छोटे बच्चों को, आजकल तो 15-16 साल के बच्चे भी होते हैं, उनको इतनी समझ नहीं होती है, तो जो भी है दुख है अपनी लाइफ का अपने बड़ों के साथ शेयर करना चाहिए, और बड़ों को भी समझना चाहिए कि ऐसी परिस्थितियों में बच्चों के साथ बच्चा बन के उनको प्यार देना चाहिए, ताकि इस तरीके के हादसे हम अपने सोसाइटी से एलिमिनेट कर पाएं, हटा पाएं। इससे और भी अच्छा होगा कि अगर हम एक जान भी इस बचा पाएं। तो आई होप कि आप मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में, ताकि उन लोगों को भी, माँ बाप को या कोई भी वीडियो देखता है उनको समझ आए कि हमें अपने बच्चों का दोस्त बनके उन्हें समझाना है ना। और लड़कियों की पढ़ाई कभी भी नहीं छुड़वानी, क्योंकि डर हमेशा लड़कियों में रहता है कि नहीं मेरी पढ़ाई छुड़वा देंगे, और इस डर की वजह से वो अपनी ये जो दिल की बातें होती है या कोई भी बात होती है, या कोई लड़का छेड़खानी भी करता है किसी लड़की के साथ रस्ते में, ये बातें भी लड़कियां अपने घर में माँ बाप को नहीं बताती हैं, और ये बात सच है 90% केसेस में नहीं समझ बताती हैं। क्यों नहीं बताती है? क्योंकि बाई चांस लड़की जींस टॉप पहन के कॉलेज जाती है, जैसे ही वो अपने घर में मम्मी पापा को बताएगी कि मम्मी जी पापा जी मेरे साथ ऐसा हो रहा है, लड़के मुझे परेशान
कर रहे हैं तो सबसे पहले माँ बाप क्या करते हैं, उसके कपड़ों का और पहनावा चेंज कर देते हैं और उनको सूट सलवार में भेज देते हैं, और उसके साथ उनका भाई जाने लग जाता है या फिर उसके साथ इतनी स्ट्रिक्टनेस हो जाती है कि लड़की का दम घुटने लग जाता है, और उस डर की वजह से कि लड़की को डर लगता है कि कहीं मेरे साथ इतनी सख्ताई ना कर दे घर वाले कि मेरा जीना ही हराम हो जाए, बिल्कुल जीना मुश्किल हो जाए। इस वजह से लड़कियां अपनी जो दिक्कत होती है, कॉलेज की दिक्कत या कोई लड़का परेशान कर रहा है, वो चीजें अपने घर में कभी भी शेयर नहीं करती हैं। और ये बात मैं सच बोल रही हूँ क्योंकि मैं अपने ऊपर भी समझती हूँ ये चीज, और हर लड़की को जानती हूँ कि वो उनको ये लगता है कि माँ बाप ज्यादा टेंशन लेंगे और ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो जाएंगे इस चीज को लेकर। लेकिन लड़कियों को उस टाइम माँ बाप को चाहिए कि लड़कियों को समझाए कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, तुम्हें और स्ट्रांग बनना है। लड़की अकेले तब भी जाएगी, लेकिन आपको उस लड़के के साथ जो परेशान कर रहा है उसके साथ उसको मतलब समझाओ कि देखो ऐसी चीज ना करो, क्योंकि अगर हम माँ बाप भी इस तरीके से लड़कियों का साथ देंगे ना तो ये चीजें और खुल के सामने आएंगी, और इससे क्या होगा कि ये चीजें जो आजकल हो रही है, गलतियां होती है सोसाइटी में हो रही है, वो चीजें रुकेंगी, ठीक है ना, आवाज उठाई जाएंगी, लोग लड़कियां भी आवाज उठाएंगी, लड़के भी अपनी बात बताएंगे, अपने बड़े भाइयों को बताएंगे, कोई मेरी वीडियो देख रहा हो तो कोई ऐसे लोग जरूर होंगे जिन्होंने अपने जिनके माम बहन भाइयों ने किसी ने अपनी जान ली होगी, किसी मेंटल प्रेशर जो उनकी लाइफ में था उसको, और वो शेयर नहीं कर पाए। और अगर ऐसी चीजें सोसाइटी से हट जाए और मतलब डर कि हाँ इस चीज का इसे ये हो जाएगा अगर हम बता देंगे, वो चीजें निकल जाएंगी तो सोसाइटी बहुत अच्छी हो जाएगी और बहुत सी जाने हमारी बचेंगी सोसाइटी से। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आया हो, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं इस टाइप की और वीडियो कुछ ना कुछ कभी ला पाऊं, ताकि मैं कुछ अपने दिल की बात कुछ वीडियो के माध्यम से आप सबके सामने रख सकूं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।